Welcome to Maths class. Now, Maths, decimal system. सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं decimal. Decimal system class 7th के या 3rd chapter से belong कर रहा है. Clear? What is fraction? One of the most important question. That is the fraction with the denominator is 10. But what is fraction? Fraction क्या है? Fraction in the form of numerator by denominator. ऐसी संख्या जिसको numerator और denominator के form में लिखी गई है fraction कहलाती है. तो ऐसा कोई भी fraction with the denominator 10, अगर denominator 10, 100, 1000 and so on, ऐसे बहुत सारे numbers आ जाएं, these are called the decimals. Known as the fraction, a decimal number consists of two parts. अब डेसिमल नंबर की बात करें, ये लिखा मैंने 235.85. सो दो पार्ट है इसके, डेसिमल के आगे एक पार्ट है और डेसिमल के पीछे. सो पीछे वाले पार्ट को डेसिमल नंबर पार्ट कहते हैं, या जो पॉइंट लगा है उसको डेसिमल कहते हैं, और इसके आगे वाली संख्या को होल नंबर पार्ट कहा जाता है. इसे मैंने यहां लिखा कि दो पार्ट में इसको सब डिवाइड करता है. डेसिमल जो होता है दो पार्ट में करता है. अब इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं कैसा होता है. तो डेसिमल यहां है और डेसिमल के आगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख के बारे में पढ़ते हैं. नाउ डेसिमल के पीछे को हम लोग पहला अंक जोड़ेगा, उसे पहला जो डिजिट होगा वो टेंस के नाम से जाना जाता है. हंड्रेड्स के नाम से टी एच लगा हुआ है, ध्यान रखना. यहां पर क्या लगा हुआ है? हंड्रेड्स. यहां पर क्या लगा हुआ है? हंड्रेड्स. थाउजेंड्स, सो वन बाई थाउजेंड्स, वन बाई हंड्रेड, वन बाई टेन. तो कोई भी संख्या, अब इसको मान लो कि मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूं, 235 यहां लिखा मैंने, तो 2 कहां है? 100 प्लेस पर. 3 कहां है? 10 प्लेस पर. और 5 कहां है? यूनिट प्लेस पर. नाउ डेसिमल है, डेसिमल के बाद पहली अंक है 10 प्लेस पर और दूसरी अंक जो है वो 100 प्लेस पर. सो इट शुड बी एक्सपेंडेड लाइक दैट. 2 इंटू 100 200, 3 इंटू 10 30, 5 इंटू 1 5, 8 into 1 by 10 and 5 into 1 by 100. So, this could be converted, that is the 200 plus 30 plus 5 plus 10 से divide करेंगे, तो 0.1 अंक के बाद, और अगर 5 को divide करेंगे, 0.20 था, तो 0.00 दिखाने के लिए 0.05 के बाद. अब इन सब को अगर add कर दें, तो we get 235.85. Now, the decimal places, what is decimal places? The places occupied by the digits after the decimal point are called decimal places. कहा कि decimal के बाद आने वाली संख्या को ही decimal places कहा जाता है. जैसे यहां 0.55, this has two decimal places. यह पूरा जो नंबर लिखा गया था 82.55, और यह भी बात है जब पढ़ते हैं decimal को तो part by part पढ़ते हैं. डेसिमल के पीछे वाले अंकों को कैसे पढ़ते हैं? 55, ना कि 55. 55 नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? 55 has two decimal places. Now 180.565, this has three decimal places. यहाँ तीन decimal places दिखा रहा है. 0.565, this has three decimal places. तो अब next topic है इसका क्या? Like decimal. What is like decimal? अगर decimal places, अगर कोई भी नंबर्स लिखे गए हैं बहुत सारे, अगर उनके पीछे के नंबर्स डेसिमल पार्ट अगर सिमिलर हैं, देन इट शुड बी सेट टू बी लाइक डेसिमल. अगर डेसिमल के ठीक पीछे के अंक इक्वल हैं, एक ही जैसे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? लाइक डेसिमल. नाउ हियर द डेसिमल पार्ट्स आर द इक्वल, सो इट लाइक डेसिमल. इसको क्या कहेंगे? लाइक डेसिमल. इसके आगे के पार्ट एक अंकों पर है, दो अंकों पर है, तीन डिजिट के हैं, इससे मतलब नहीं है. उसके पीछे मतलब डेसिमल पार्ट जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए. अनलाइक डेसिमल, अगर डेसिमल पार्ट अनलाइक हो, कहने का मतलब है कि वो दो प्लेस अलग अलग हो. एक यहां पर एक अंकों में लिखा गया है, यहां दो अंकों में, यहां थ्री डिजिट में लिखा गया है. सो दीज आर द डिफरेंट. डेसिमल पार्ट क्या है? डिफरेंट है. सो कहा कि अनलाइक डेसिमल दैट डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक. 18.6, 171.62, 19.687 are unlike decimal because the decimal parts are different.
डिफरेंट, ये सारे क्या है डिफरेंट है। इनको क्या कह सकते हैं, एक बहुत रिमार्केबल चीज है कि अगर डिफरेंट है इसके तो इसको क्या बदला जा सकता है, लाइक डेसिमल में ट्रांसफर किया जा सकता है। अनलाइक डेसिमल को कहां ट्रांसफर कर सकते हैं, हम लोग लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर इसके पीछे के अंकों को इक्वल कर दें, ठीक है, अगर डेसिमल पार्ट इक्वल हो जाए। सो द नेक्स्ट टॉपिक शुड बी, एक नोट मैंने लिखा है यहां पर, वो क्या है, कहा कि अनलाइक डेसिमल आर कन्वर्टेड इनटू लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल कन्वर्ट हो सकता है लाइक डेसिमल में बाय एडिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस, अगर जीरो को उसमें उसके पीछे जोड़ दिया जाए। जैसे मैंने यहां लिखा 4.123, 10.7, 212.73, सो यहां पर तीन अंक है, यहां पर वन डिजिट है, यहां दो डिजिट है, दीज आर अनलाइक डेसिमल, सो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू लाइक डेसिमल। तो 4.123 ये ठीक था तीन अंकों तक, मैक्सिमम थ्री अंक डिजिट तक था, सो सेवन था तो दो इसमें जीरो मैंने डाल दी, यहां पर 7.3 तक था तो इसमें एक जीरो ऐड कर दिया, अब डेसिमल पार्ट तीन तीन अंकों के हो गए, सो दीज आर कॉल्ड द लाइक डेसिमल। कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल, अगर दो डेसिमल पार्ट्स को कंपेयर करना है तो इससे पहले भी कई बार बताया मैंने, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये स्मॉलर देन का साइन है और ये इक्वल टू का साइन है। इन्हीं साइंस का आप यूज करकर हम लोग किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन में इसको चेंज कर सकते हैं। सो कन्वर्टिंग द गिवन नंबर, एग्जाम्पल आपके लिए दिया जा रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये अंक दिए गए थे, ये डिजिट्स दिए गए थे, कन्वर्टिंग द गिवन नंबर टू लाइक, सबसे पहले दो अंकों पर था, दो अंक, एक अंक थे, तीन अंक थे, यहाँ एक थे, यहाँ एक अंक पर थे डेसिमल के पीछे, इनको क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया तीन तीन अंकों पर, क्लियर। तो 4.5 को 4.50, 9.08 को एक जीरो लगाया गया, यहाँ डबल जीरो लगाया गया, 5.76 तीन अंकों के थे, 6 के बाद दो जीरो लगाया गया और 2 के बाद दो जीरो लगाया गया, सो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू लाइक। नाउ स्टार्ट द कंपेयर फ्रॉम द होल नंबर, होल नंबर कंपेयर की, यहाँ 3 था या 9 था, तो इन यहाँ 5 था और यहाँ 1 था, तो नेचुरली सबसे छोटा जो होगा, सबसे बड़ा होगा 9 वाला, इसके इससे छोटा होगा 5, इससे छोटा 3 और इससे छोटा होगा 1। अब इससे छोटा इन दोनों में से कोई एक होगा, यहाँ डेसिमल पार्ट 7 है और डेसिमल पार्ट 5 है। बहुत आसान है इसको समझना कि अगर दो अंकों की बात करें तो 70 पैसे दिखाई दे रहे हैं, 70 पैसे, दैट इज द 57 पैसे, कौन छोटा होगा, 57 पैसे छोटे होंगे और 0.70 पैसे क्या होंगे, बड़े। सो 7.0 उसके बाद आया और फिर 5.76, सो इट इज द, अगर आप इसको लिखा जाए असेंडिंग ऑर्डर, लिखना था किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ, तो सबसे छोटा पार्ट मैंने निकाला 5.76, 0.700, 1.200, 3.450, 5.60, 9.08 एंड शुड बी यूज द सिंबल लेस देन, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लेस देन का यूज करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन का यूज करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।